आखिर स्पेस में जाने वाला ये हैम नाम के चिंपांजी के साथ क्या हुआ था। दोस्तों 1961 में नासा के वैज्ञानिक ये जानना चाहते थे कि स्पेस में अगर किसी जीव को भेजा जाए तो उसके साथ क्या होता है। इसके लिए उन लोगों ने इस हैम नाम के चिंपांजी को सिलेक्ट किया क्योंकि 40 बंदरों में ये सबसे ज्यादा होशियार था, इसलिए हैम को सिलेक्ट किया गया। इंसानों ने अपनी मकसद के लिए एक बेजुबान जीव की जान दांव पर लगाई। इस छोटे चिंपांजी को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि आगे इसके साथ क्या होने वाला है। इसे यान में बिठाया गया। रॉकेट को 250 किलोमीटर हाइट पर जाने पर कैप्सूल को रॉकेट से अलग करना था और वो हैम के हाथ में था। रेड लाइट जलते ही हैम ने अपना काम बखूबी निभाया और कैप्सूल धरती की ओर आने लगा। कैप्सूल को समुद्र में गिरते ही उसे पानी से बाहर निकाला गया और जब उसे खोला गया तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई क्योंकि हैम सही सलामत और जिंदा था। और इसके बाद हैम नेशनल जू में 17 सालों तक जिंदा रहा। हैम के लिए एक लाइक तो बनता है।